प्लांटर फैशाइटिस क्या होता है, इस बीमारी को पहचानते कैसे हैं और इसका क्या इलाज है, जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट ऑर्थो डॉक्टर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सो व्हाट इज प्लांटर फैशाइटिस? वेल बेसिकली इस बीमारी में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया at its insertion onto the calcaneus bone. मतलब ये calcaneus bone यानी कि heel bone के इस point पे plantar fascia का origin होता है और ठीक इसी point पे inflammation होता है और इसकी वजह से patient को दर्द होता है. So what are the symptoms of plantar fasciitis? Well, plantar fasciitis में patient को heel में pain होता है, specifically इस point पे heel के नीचे patient को काफी दर्द होता है और ये दर्द यूजुअली सबसे ज्यादा सुबह नींद से उठने के बाद पहली दफा पैर जमीन पर रखने पे पेन होता है एंड द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर वेरी पेनफुल इन द मॉर्निंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे भी काफी देर खड़े रहने के बाद भी पेशेंट को हील पे दर्द होता है एंड ऑल्सो ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जंपिंग एंड डांसिंग पेशेंट को हील के नीचे काफी पेन होता है. So what are the risk factors associated with this disease? Well, कुछ लोग होते हैं जिन्हें general population से ज्यादा chance होता है plantar fasciitis develop करने का. People who are obese, people who are diabetic or hypothyroid, people whose uric acid is high and even during pregnancy, in सब conditions में plantar fasciitis develop करने का chance ज्यादा होता है. So which people are more likely to develop this condition? So those professions जिसमें काफी देर खड़े रहने की जरूरत पड़ती है उन लोगों को plantar fasciitis होने का चांस जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा होता है, लाइक ट्रैफिक पुलिस, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड और ऑल्सो वो लोग जो रेगुलरली रनिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं. सो बिकॉज ऑफ रिपीटेड इंजुरी ऑन द हील प्लांटर फेशिया में माइक्रो इंजुरी होते हैं, माइक्रो टीयर्स होते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन दिस प्रॉब्लम कॉल्ड प्लांटर फेशाइटिस. आई रिमेम्बर अ टाइम जब मुझे खुद प्लांटर फेशाइटिस से काफी सफर करना पड़ा था. दिस इज बैक व्हेन आई वाज अ सर्जिकल रेसिडेंट. हमें ऑपरेशन थिएटर में इवनिंग में जाना पड़ता था एंड थ्रू आउट द नाइट वी यूज टू हैव ऑपरेशन एंड देन मॉर्निंग में 7 o'clock ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते थे. तो थ्रू आउट द नाइट आई यूज टू बी इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, खड़े होकर ऑपरेशन में असिस्ट करना पड़ता था. And that is why, because of prolonged standing, I develop plantar fasciitis. So, what is the treatment for plantar fasciitis? Well, इस बीमारी का इलाज काफी time bound होता है. In the early stage of the disease, ice and soft sole works amazingly well. Ice दिन भर में 6 to 8 times लगाना बहुत जरूरी है. Heel के इस नीचे वाले portion में अच्छे से rub करना is very important. And उसके साथ soft सोल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कुड बी सिलिकॉन और एनी अदर सॉफ्ट मटेरियल दैट विल डू. आइस और सॉफ्ट सोल के अलावा अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज में पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. सो पैसिवली उंगलियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया जाता है सो दैट नीचे का प्लांटर फेशिया स्ट्रेच आउट हो एंड डायरेक्ट मसाज ऑल्सो हेल्प्स. तो ये स्ट्रेच आउट करने से अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज में काफी आराम मिलता है. और उतना ही जरूरी है टू अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इफ यू आर इन अ प्रोफेशन जहां आपको काफी देर तक खड़े रहने की जरूरत पड़ती है, ट्राई टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन सो दैट यू आर नॉट स्टैंडिंग कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स. अगर बीमारी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो वो अर्ली स्टेज से निकलकर एडवांस स्टेज में चला जाता है और उस स्टेज पर आइस एंड सॉफ्ट सोल डज नॉट हेल्प. इन दैट केस वी रिकमेंड इंजेक्शन एट द पेनफुल साइट. इस पॉइंट पर इंजेक्शन दिया जाता है टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. इन वेरी रेयर केसेस इन एडवांस्ड डिजीजेस अगर आइस, सॉफ्ट सोल, फिजियोथेरेपी एंड इंजेक्शन काम ना करे देन सर्जरी मे बी रिक्वायर्ड. सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. अगर आपको भी हील पेन हो रहा है देन प्लीज कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर यू सो दैट इस बीमारी का अर्ली इलाज चालू किया जा सके. इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट करें अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विद प्लांटर फैशाइटिस और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन सब लोगों के साथ जिन्हें हील पेन या प्लांटर फैशाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा हो. मैं हूं दैट ऑर्थो डॉक्टर, साइनिंग ऑफ.
प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं इस किस्म के कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एंड उनके सोल्यूशन के बारे में वीडियोज बनाता रहूंगा आप सबके नॉलेज के लिए।